हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेश एजुस। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम प्रैक्टिस पेपर 2022 के लिए, जो हमारी आने वाली एग्जाम है 20 जुलाई 2022, और ये है स्टैंडर्ड 8th के लिए है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ओके, सो स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना है, और इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं ये डेफिनेटली आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रॉन्ग पेयर ऑफ वर्ब एंड इट्स नाउन। सो इसमें से जो रॉन्ग पेयर है वो आपको चूज करना है। सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। ओके, सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है जो इस सेंटेंस के लिए सुटेबल है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट WH क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है और वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो पेयर दिए हैं इनमें से एक पेयर करेक्ट है तो वो पेयर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए है। ओके, सो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिया हुआ है। सो आपको वो पढ़ने के बाद आपको उनके आंसर जो है वो मार्क करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे है जो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इस सेंटेंस में वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे है नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको ये सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है वो आपको करेक्ट है वो चूज करने हैं, तो कौन से दो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो आपको ऑप्शन में से चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिया है वो क्या डिस्क्राइब करता है वो आपको ऑप्शन में से चूज करना है। 14 आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक रिडल दिया हुआ है और ये क्या है तो वो आपको पहचानने के बाद आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको दो ऑप्शन होंगे। ओके, सो अंडरलाइन वर्ड के लिए जो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग में कौन सा आता है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं कि टू करेक्ट ऑप्शंस है यहाँ पे जो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, तो वो कौन सा है वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे करेक्ट मीनिंग ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपको चूज करना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। ओके, सो 18, 19, 20 जो है वो इस पैराग्राफ के ऊपर से रिलेटेड है, तो आपको वो जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। सॉरी, फर्स्ट ये पैराग्राफ पढ़ना है, बाद में आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मार्क करने हैं। ओके, सो ये 18, 19 जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ के ऊपर है, 20 जो है ये भी क्वेश्चन आपको पैराग्राफ के ऊपर है। सो ये 21 का जो क्वेश्चन है इसमें से आपको ऑड मैन आउट जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के लिए है। सो यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है जो जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 22 और 23 है, तो वो जो आपको जो एडवर्टाइज दी गई है वो आपको ध्यान से पढ़नी है और फिर इनके आंसर जो है वो मार्क करने हैं। ओके, सो यहाँ पे भी है क्वेश्चन नंबर 24 और 25 के लिए है। ये नोटिस फॉर मीटिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है, तो आपको ये जो नोटिस है वो आपको ध्यान से पढ़नी है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो है वो नोटिस के ऊपर आधारित क्वेश्चंस है, इनके आंसर जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि जब भी आप ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये सॉल्व करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको पॉज करना है, जो क्वेश्चन है वो रीड करना है, रीड करने के बाद उनके आंसर जो है वो आपको आपके एक नोटबुक में मार्क करके रखना है। ओके, सो ये हैं सभी आंसर्स जो है वो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, सो ये आंसर्स आपके आंसर
आंसर्स के साथ मैच करने हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।